ये है हैंडपंप की स्थिति। चलाइए भाई साहब। बहन जी 7 महीना हो गया, बिल्कुल झक है देखो। और सेक्रेटरी पैसा खाता जा रहा, खाते में बता रहा कि न सुधर रहे। और ये देख रहे हो आप अपने सामने निवास बाबू शुक्ला। कहाँ से हैं आप? सुपा। और ये हैंडपंप कहाँ का चला? ये बस स्टैंड सुपा बस स्टैंड चरखारी रोड स्टेशन रेलवे की सवारी सब यही एक नल है कि जो आज 7 महीना से जी 7 महीना से नहीं 7 महीना से। यहाँ पर इस हैंडपंप से कितने लोग प्रभावित हैं? कम से कम नहीं 20,000 आदमी से ज़्यादा। ऊपर ट्रेनें सब रुकती, सब बसें पूरी, और जितने ये वाहन जितने फोर व्हीलर टू वाहन एक सब यही है कि नल एक सहारा है। और रोड के जस्ट किनारे है मंदिर है, और आप देख रहे हैं सामने ये 15-15 मिनट में थोड़ी सा पानी एक आध लीटर पानी निकला था बस। सेक्रेटरी से कहा ये जिम्मेदारी किसकी है? अब तो सेक्रेटरी की है, महपाल सिंह है एक सेक्रेटरी वो सुन। क्या ये बिगड़ा हुआ है कि क्या कमियां हैं इसमें? अब इसकी पाइप है नहीं है, मतलब कह रहे कि सरकार नहीं दे रही, और सरकार जो कि दे रही सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, सरकार पूरा दे रही है। आप कब बोला था सेक्रेटरी? करीब 7 महीना हो गया कहते कहते। अभी एक दिन डीएम साहब को आना था तो बोले घबराओ ना, आप शिकायत न करो, अभी सुधरवाएं दे रहे। तो हम तो डीएम साहब का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, बस फेंकाई के लिए कोई आया जी। और जो कि सरकार की तरफ से डीएम साहब की तरफ से कोई कमी नहीं है, डीएम साहब निर्देश भी दे रहे हैं, लेकिन ये तो अनदेखी करे डीएम साहब की भी। इस सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, ना डीएम साहब की तरफ से कोई कमी है जी। जो कमी है तो सिर्फ ब्लॉक की तरफ से, ये ब्लॉक वाले सब पूरा पैसा खाते जा रहे। एक नल यहाँ से 100 कदम की दूरी पे 20 मीटर तो करीब 14 महीना हो गया, 2 पाइप के पीछे पड़ा है ऐसी खुला खुला है, वो खोल के डाल के कहते पाइप नहीं दे रहे हैं जी। और अगर अब नल बनता भी नहीं है तो फिर आगे क्या करेंगे? कुछ नहीं है बस, ये जो कुआ है तो गंदा पानी है, बता पिवाएं इसको तो कीटाणु है इसमें, कुएं में कोई रास्ता ही नहीं है। अब यहाँ पर आदमी अपना अपना पिए हारों खेतों से ले आवे, वो तो कोई है ही नहीं। अब जैसे केटी के ऊपर है, अब जब डीएम साहब के अखबार पहुँचेगी, जो कि डीएम साहब इतने सख्त हैं, तेज हैं, ईमानदार हैं, लेकिन ये ब्लॉक वाले सारे बेईमान बैठे हैं। आपने कितनी बार बोला है? कम से कम बहन जी 7 महीना हो गया बराबर कहते कहते। उस दिन हाथ जोड़ने लगे कि डीएम साहब आ रहे शिकायत न करो, हम भी ठीक है तो बोले कल सुधर जाएगा, बोले सुधर जाएगा। और डीएम साहब का जहाँ से प्रोग्राम कैंसिल हुआ बहुत हंसते हुए भाग गए। हेलो आज जो है नहीं तो एक दिन अभी पंचायत भवन में डीएम साहब की बैठक हो रही थी, उन्होंने बुलाया था सब गाँव के लोगों को, लेकिन कमिश्नर साहब के आने से किसी तरीके से मतलब कोई वो सरकारी काम काज हैं। डीएम साहब अच्छे हैं, डीएम साहब तक अगर हमारी बात पहुंच जाएगी तो सुधर भी जाएगा।